हाय गाइस, अभी मैं अपने सोसाइटी के छत पे हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे सोलर वाटर हीटर लगे हुए हैं। तो आइए मैं आपको इसके फीचर्स बताऊँगा, किस तरह से आप अपने बिजली बिल बचा सकते हैं, प्लस में आप इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, और कैसे आप मेंटेन करेंगे, किस तरह से इसकी असेंबली रहती है, क्या क्या मेंटेनेंस में आपको चेक करना पड़ता है, मैं सभी चीज़ें बताऊँगा। आइए, मैं आपको ये बता दूं, सोलर एनर्जी और सोलर वाटर हीटर में फर्क है। ओके, सोलर एनर्जी में सोलर प्लेट होता है, जो प्लेट आप छत पे डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ती है, उससे बिजली बनती है। ओके, और आप उससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं, मैंने अपने घर में भी लगाया हुआ है। बट ये जो है, ये सोलर वाटर हीटर है, तो पानी को गर्म करके आपको रखेगा। ओके, तो उससे एक आपके सवाल मन में आया होगा कि अगर बारिश का सीजन है तो पानी गर्म कैसे रहेगा। ओके, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर पानी दिन में धूप में गर्म होगा तो सुबह सुबह आपको नहाना है तो कैसे ये यूजफुल है। ओके, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख पा रहे हैं, इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल्स होते हैं। ओके, मैं इसका ब्रोकन पीस भी आपको दिखाऊंगा अभी, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बीच में वैक्यूम होता है, तो दो लेयर का ग्लास पाइप्स आप बोलिए। ओके, तो ये देख सकते हैं कितने सारे ये पाइप्स हैं। ठीक है, तो इन ये सब आपके सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक, तो सनलाइट इस पे पड़ेगा, अंदर वाले इस तक पहुंचेगा, अंदर जो ग्लास का एक अंदर का इनर वेसल है, और गर्म होगा, और वो टेम्परेचर वापस बाहर ना आए, इसके लिए बीच में इवैक्यूएटेड, मैंने बोला, इसीलिए वैक्यूम किया हुआ रहता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, और ये ऊपर जो देख रहे हैं, ये स्टोरेज टैंक है। इसमें मल्टीपल साइज़ का आता है, तो आपका जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये चूंकि बड़ी सोसाइटी है, इसलिए यहाँ पे कई सारे आप देख पा रहे हैं कि ये लगा हुआ, बिकॉज इतने लोग हैं, इतने नीड हैं। ओके, तो और इस तरह से आपका नॉर्मल कनेक्शन होता है। इसमें और भी ऑप्शन भी होते हैं, जिसमें कि आप एक्स्ट्रा आप हीटर भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर। मान लिया आपका ये बाई चांस आपके 10 दिन बारिश नहीं हुए, तो वैसे में ये काम करेगा। और इसमें मैं बता दूं पहले फीचर्स इसका, कि इसमें एक दिन भर जैसे सनलाइट हुआ तो पानी गर्म होता गया। ओके, हॉट टेम्परेचर का ये फीचर होता है कि वो ऊपर की ओर भागता है। ओके, और ऊपर ठंडे पानी रहते हैं, तो सर्कुलेट होता रहता है, और इसके अंदर जो आपका टैंक दिख रहा है, इसके अंदर आपका पूरा गर्म पानी रहेगा। जैसे ही आउटलेट है, आउटलेट से जैसे ही बाहर निकलेगा, जितना लेवल में उतना नीचे से वो ठंडा पानी अंदर आएगा, इस तरह से ये रखता है। दूसरी चीज़, ये जो टैंक है, ये टैंक का ये स्पेशल बनाया रहता है, गैल्वेनाइज टैंक होता है, आपका अंदर जंग ना लगे, इस तरह से बनाया हुआ होता है। और इसमें ये है कि एक बार पानी गर्म हो गया तो 18 घंटे तक उसका टेम्परेचर मैक्सिमम 3 डिग्री तक वो कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, इस हिसाब से ये बनाया होता है। ओके, और भी इसमें कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका साइड में एक नॉब देख पा रहे हैं, मैं अभी क्लोज जूम करके दिखाऊंगा, तो उसमें एक आपका मैग्नीशियम ये रॉड होता है। ओके, तो उससे आपको पता चलता है कि आपका जो पानी इनलेट आ रहा है वो कितना हार्ड वाटर है। अगर हार्ड वाटर है तो वो धीरे धीरे करोड होके कम होता, छोटा होता जाता है, तो उसका एक मेंटेनेंस शेड्यूल होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो एक तरफ से आउटलेट हुआ, एक तरफ से इनलेट हुआ, और ये आपका स्टोरेज टैंक हुआ, और ये गर्म कर रहा है, इतना ही मैकेनिज्म है। आइए मैं क्लोज जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, ये देखिए ग्लास वेसल्स हैं, आप देख पा रहे हैं, ये कई सारे ग्लास वेसल, इस पे आपका सनलाइट आएगा, और ये अंदर जो ब्लू पाइप है उसके उसके ऊपर एक्चुअल वो हीट होता है। ठीक है, तो वो हीट होने से अंदर जितने भी पानी ऊपर से नीचे तक आए रहते हैं, ये सभी पानी गर्म होता है। ओके, और चूंकि ये जो लाइन है, पूरा पानी गर्म पानी है, ऊपर ठंडा पानी है, तो वो आपको कंडक्शन होता है। ओके, तो यहाँ से आपका ये टेम्परेचर गर्म उसमें जाएगा, और इस तरह से पानी गर्म होगा, और ये आपका स्टोरेज टैंक है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये आउटलेट है। ओके, आउटलेट ऊपर में हमेशा रहता है, आप छुएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा कभी भी। ओके, उसी तरह उस तरफ आपको दिखाता हूँ,
वहाँ पे इनलेट रहेगा और ये इस तरह से फिटिंग किया जाता है। ओके, और इसका जो एंगल है वो हमेशा एक स्लैंटेड रहता है 45 डिग्री पे। ओके, जैसा आप देख सकते हैं इसमें यही पैटर्न है, इसको सीधा नहीं रखा जाता है। ओके, और नीचे एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक दोनों जो ग्लास का जो लेयर है, एक अंदर का लेयर और ऊपर का लेयर, दोनों के बीच में गैप बना रहे हैं, इसलिए ये स्टील की पट्टी इसमें रहती है। ठीक है, और ये कैप हुआ, तो कैप आपका एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। दूसरी चीज़ है कि आपको फिटिंग करने के लिए इस ये टूटे नहीं, इसके लिए थोड़ा डेलिकेट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। पत्थर या इस तरह से कुछ भी पड़ गया तो ये टूट जाता है। ओके, और ये जो है ये गैल्वेनाइज टैंक है, तो आपका साइज के हिसाब से ये इसके अंदर दो लेयर रहेगा, एक टैंक अंदर होगा और एक ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये आपका आउटर लेयर है, और इन दोनों के बीच में फोम भरा रहता है थर्मोकोल टाइप। ओके, तो उसके वजह से क्या है कि आपका टेम्परेचर अंदर का बाहर नहीं आता है, और ये आपका आउटलेट टैंक है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक यहाँ पे है आपका इनलेट। ओके, तो ये नीचे से जा रहा है, मतलब ये इनलेट है, तो यहाँ से आपका इनकमिंग ठंडा पानी जो है वो आएगा। ओके, तो ये ठंडा पानी इसमें इधर से इंटर हो रहा है और गर्म होके उस वाले से बाहर हो रहा है, और वो जो ऊपर आप एक्स्ट्रा पाइप देख पा रहे हैं ये आपका एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सपोज खोल गया, गर्म हो गया, वाइपर बन गया तो ब्लास्ट ना हो, उसके चलते वो रहता है। ओके, अंदर का ये मेंटेन प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ओके, इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं दो नॉब है, तो ओके, ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसका हुआ ये आपका एल्युमिनियम मैग्नीशियम रॉड इसके अंदर होता है, वो आपका पकड़िए न्यू में लगभग 1 फीट 1.5 फीट के आसपास में आता है, और जैसे जैसे आपका पानी अगर हार्ड पानी होता है तो उसका हार्डनेस हटाने का काम करता है। ओके, और थोड़ा पुराना होता गया तो उसका साइज छोटा होता जाएगा, तो एक मेंटेनेंस शेड्यूल में हमेशा इसको खोल करके और वो रॉड निकाल के उसको चेक करते रहना चाहिए, और जैसे ही आपका ज़्यादा छोटा दिख गया, मतलब आपका 1 इंच 2 इंच का अगर हो गया तो उसको रॉड को आप बदल दीजिए, इसके अलावा मेंटेनेंस में और कुछ नहीं। ओके, इसके अलावा एक ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपका सपोज बारिश का मौसम है। ओके, आप देख पा रहे हैं कि सनलाइट कम रहती है, तो वैसे में आपका ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, राइट, तो इसमें क्या है कि आप 3 किलोवाट का कोई भी इलेक्ट्रिक जो रॉड रहता है जो आपके गीजर में लगता है थर्मोस्टैट के साथ, तो वो थर्मोस्टैट और इलेक्ट्रिक रॉड का जो असेंबली है वो आपका ये इसमें बैठ जाता है, उसी के साइज से ये दिया रहता है, तो 3 किलोवाट का इमरजेंसी के लिए आप उसमें अगर वो आपने लगाया तो पावर भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है, ये फ्लास्क दिखाता हूँ, आइए ये सारे कनेक्शन है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है। ओके, और आप इसमें देखेंगे ये फ्लास्क है। ओके, या तो फिर इसमें देखिए दो लेयर आपको दिख रहा है। ओके, और अंदर का जो ब्लू लेयर है वो आपके इनर है, जिसमें कि पानी एक्चुअल में रहता है। ओके, मैं आपको एक क्लियर पीस दिखा, अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फॉइल टाइप का है टेम्परेचर ये करने के लिए, और मेन जो इसका पोर्शन है ये है ग्लास। ओके, तो ये ग्लास आपका दो लेयर में आप देख पा रहे हैं, एक अंदर एक बाहर, और अंदर कलर कोटिंग किया हुआ है। ओके, और टॉप का जो है वो क्लियर है, तो क्लियर ग्लास है। मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरह से ये इसका सोलर का ये है, डबल लेयर में आप देख सकते हैं, अंदर ये पेंटेड है, बाहर से आपको ब्लू दिख रहा है, अंदर से आपका रस्ट कलर टाइप का दिख रहा है। ओके, तो ये इसका असेंबली होता है, तो अंदर इसमें पानी ऊपर से नीचे तक आपका भरा होता है, और ये जो क्लियर पोर्शन है टॉप के ऊपर जो है सबसे ऊपर में, इससे सनलाइट जाती है और नीचे वाले लेयर पे, और इसके अंदर जितना भी पानी रहता है उस पानी को ये
गर्म करके रखेगा और वापस टेम्परेचर बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये वैक्यूम है, ठीक है। तो ये आपका वेसल हुआ। अब मैं इसके और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। जैसा मैंने बताया था कि आपको ये जो टॉप का लेयर है ये थोड़ा टेढ़ा भी कई बार है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये टेढ़ा है, तो इससे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि लुक वाइज तो ख़राब दिखता है, बट फंक्शनली अगर देखा जाए तो इसके अंदर दूसरा टैंक रहता है और बीच में फोम भरा रहता है। ओके, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। एक में आप देख पा रहे हैं कि ये कलर चेंज हो गया है। तो कलर चेंज हो गया इसका मतलब इसका जो अंदर का जो ग्लास है और ऊपर का जो ग्लास है उन दोनों के बीच में कहीं या टूटने से या लीकेज होने से इसका वैक्यूम पूरा काम नहीं करेगा और ये पाइप आपको बदलनी पड़ेगी। तो पीस बाय पीस आप बदल सकते हैं कभी भी, जैसे सपोज एक पीस ख़राब हुआ तो ये ओपन करने का है, ओपन करेंगे और ये पूरा कप एक लाइन आपको बदल सकते हैं, ये इस तरह से अंदर डाला हुआ होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में जैसा मैंने बताया कि इसका जो मैग्नीशियम रॉड है ये रॉड आपको बदलते रहना पड़ता है, मतलब चेक करते हैं, चेक शेड्यूल रहता है, चेक करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। और अगर आप ये टाइम टू टाइम बदलते रहे तो इसकी जो लाइफ होती है वो 15 साल मिनिमम लाइफ होती है। ओके, और इसके अलावा ग्लास, मैंने जैसा बताया ग्लास एक हाईली डेलिकेट होता है तो इसको सेफ करके रखना पड़ता है, सेफ्टी से इसके ऊपर स्टोन ना पड़े, कुछ अगर ऐसी चीज़ें पड़ेंगी हेवी तो ये टूट सकता है, और टूटेगा तो पीस बाय पीस है तो आप पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, और इसका एक क्लीनिंग शेड्यूल है तो क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखेंगे कि जैसा आपने देखा कि दो लेयर का ये ग्लास है, ठीक है, तो अंदर सनलाइट आपको जाने चाहिए, तो सनलाइट जाने के लिए क्या ऊपर से सफाई होना चाहिए, तो इसको टाइम टू टाइम सफाई करना पड़ता है। लेकिन जब भी आप सफाई करें तो ये आप जरूर ध्यान दें कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग करें या तो फिर लेट इवनिंग करें, क्योंकि बाकी टाइम पर ये इसका टेम्परेचर हाई रहता है, जैसे धूप है तो उस टाइम पे हाई रहेगा। आप अगर पोछेंगे तो एक तो आपको जलने का थोड़ा सा डर रह सकता है, दूसरी चीज़ क्या है कि स्पॉट्स बैठ जाएंगे क्योंकि ये आप कपड़े मिंगा के सपोज पोछ रहे हैं इसको, तो और अंदर गर्म है तो कहीं कहीं स्पॉट्स वो जम जाएगा। ओके, तो एक्स्ट्रा अगर कॉइल आपको इलेक्ट्रिक कॉइल ऐड करना है तो उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है, आप यहाँ पे वो कॉइल लगा सकते हैं। 3 kW का आपका थर्मोस्टेट के साथ का असेंबली आता है मार्केट में, इटली अवेलेबल है, जो नॉर्मल इंस्टेंट गीजर इन सब में लगता है, वही आप इसके अंदर डायरेक्टली बिठा सकते हैं, एक पावर कनेक्शन देके आप ये छोड़ दे सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर धूप आज नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आज के आज पानी गर्म नहीं आएगा। ओके, धूप आज नहीं है तो कल नहीं आएगा, बिकॉज इसके अंदर स्टोरेज रहता है भाई, तो जब तक ये स्टोरेज ख़त्म नहीं होगा तब तक वो पानी आपका गर्म रहेगा। ओके, और प्रैक्टिकली 18 घंटा तक का कंपनी बोलती है कि 18 घंटा तक इसमें पानी आपका जो टेम्परेचर रहता है पानी का वो 3 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं होता है। ओके, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दिन में ही नहाना पड़ेगा, दोपहर में जब धूप है तभी, तब फिर इसका क्या फ़ायदा। ओके, तो उसके लिए क्या है कि आपका पानी गर्म हो गया, टैंक में स्टोर हो गया, कल सुबह आप नहाएंगे तो ये गर्म पानी 3 डिग्री तक लो आपका मिल सकता है। बाकी पाइपलाइन जाने में थोड़ा बहुत डाउन होगा, वो हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप मेटल पाइप यूज करते हैं या नॉन मेटल पाइप यूज करते हैं। ओके, तो ये इसका यूज केस है। अब बताता हूँ कि ये यूज करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इसमें पहली चीज़ तो आप इन्वायरमेंट को सेव करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो बनाया जाता है कोई ना कोई मेथड से बनाया जाता है, फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है, मोस्टली कोयले से बनाया जाता है, तो वो रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये रिन्यूएबल है, ये आपका सूरज की रोशनी आती ही रहेगी, ठीक, तो इसलिए हमें यहाँ एम्फेसिस होना चाहिए। वो तो एक तरह से कह सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और अगर आप डेली कॉस्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक गीजर अगर आप एक बाथरूम में अगर आप लगाते हैं तो महीने का कम से कम 500 रुपया बिल आता ही है। ओके, और दो में लगाए तो 1000 हो गया, 3 BHK है तो
इस हिसाब से और आपके यूज के हिसाब से कितने लोग आप घर में रहते हैं, कितने यूज करते हैं, ओके तो एक मोटा मोटी देखा जाए तो एक अच्छा सिग्निफिकेंट आपको फायदा मिल जाता है सोलर इसमें यूज करने से। लेकिन इसके भी कुछ कॉन्स हैं, कॉन्स में वही हुआ कि इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम अगर आपने नहीं चेक किया इसके मेंटेनेंस शेड्यूल के हिसाब से तो ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा। ये इसके अंदर जो टैंक है ये गल्वेनाइज टैंक होता है, इसके अंदर जिंक का वो लेयर मिला के ये बनाया जाता है, उससे क्या है कि ये जंग नहीं लगेगा। तो जब जंग नहीं लगेगा, जब तक ये जंग नहीं लगेगा तब तक सेफ है, ठीक है। और अगर आप ये बदलते रहे तो जो आपका हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को हार्डनेस कम करता रहेगा, ओके। एक ये ही इसका मेंटेनेंस शेड्यूल है और कुछ नहीं, और ये डेलिकेट है तो ये टूटे नहीं, इससे बचाना पड़ेगा और एक सफाई टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, ओके। तो गाइस ये है आपका सोलर वाटर हीटर जो आप अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप अपना बिजली बिल भी बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए डिटेल्स के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।